हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हिंदी। तो इस वीडियो में मैं आपको गूगल की एक ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ को शायद पता ना हुई हो। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं इसी ट्रिक के बारे में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है वो अपने मोबाइल से इस ट्रिक को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है क्रोम में और जहाँ पे सर्च करना है गूगल, गूगल सर्च करना है और ऊपर जो थ्री डॉट्स दो आपको दिखा दे रहे हैं इस पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर देना है। यानी कि आपका मोबाइल जो होगा वो कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह चलेगा, जैसे कंप्यूटर पे शो होता है वैसे ही आपके मोबाइल पे चलेगा। उसके बाद गूगल सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, जो पहले वाला जो ऊपर दिखाई दे रहा है गूगल, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने गूगल जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल पे। ट्रिक ये है कि आपको जहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे आप, ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको गूगल सर्च और आई एम फीलिंग हैप्पी, अब अगर आप जो मैं दिखाता हूँ अभी आपको, जैसे मैं लिखता हूँ फेसबुक, फेसबुक और मैं गूगल सर्च पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिएगा कि फेसबुक के सारे जो वो पेज जो ओपन हो गए, आप जहाँ से लॉग इन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक ये है कि आपको जो है वो क्या करना है, फेसबुक लिखना है, तो बैग आ जाता हूँ, यहाँ पे फेसबुक लिखिए एफ ए सी ई डबल ओके और आई एम फीलिंग हैप्पी लकी जो लिखा है ये वाला बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फेसबुक लिख के इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फेसबुक का पेज होगा, आपकी जो आईडी होगी वो बिना लॉगिन किए हुए आप सीधे अपने फेसबुक पेज में आ सकते हैं। तो ये जो है फेसबुक जो है आपका पूरा कंप्यूटर की तरह चलेगा, जैसे कंप्यूटर पे स्क्रीन शो होती है वैसे ही आपके मोबाइल पे शो होगी। ये देख लीजिएगा जहाँ से आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं अपने अकाउंट को। तो फिर से मैं बैग आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूट्यूब और गूगल सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो देखिएगा ये किस कितने पेज में सामने आ गए गूगल के, इसके यूट्यूब के। लेकिन मैं अगर मैं यही यूट्यूब लिख के आई एम फीलिंग हैप्पी पे सर्च करता हूँ, यूट्यूब आई एम फीलिंग हैप्पी, तो देखिए बिना लॉगिन किए हुए बिना कुछ किए हुए मेरे सीधा मैं ऐप में इसके यूट्यूब के ऐप में डायरेक्टली पहुंच गया हूं। तो है ना कितनी बढ़िया ट्रिक, आप इससे जो है वो आजमा सकते हैं। अगली ट्रिक ये है कि आप इस तरह से आप कुछ भी जहां पे इंस्टाग्राम लिखेंगे, ट्विटर लिखेंगे, आप सीधे जो है वो अपने अकाउंट में जो है लॉगिन हो जाएंगे बिना जो वो अपना पासवर्ड वगैरह डाले कुछ भी। दूसरी ट्रिक ये है कि आप जो वहाँ पर अगर सर्च लिखते हैं स्पीयर SPHERE और आई एम फीलिंग हैप्पी पे, आई एम फीलिंग लक्की पे क्लिक करते हैं, तो देखिए क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना है गूगल स्पीयर GOOGLE गूगल स्पीयर SPHERE। अब आई एम फीलिंग हैप्पी पे लक्की पे क्लिक करते हैं। सॉरी मैंने गलत लिखे स्पेलिंग, नहीं नहीं ऐसे जे देखिए सही है। तो देखिए किस तरह से वो गूगल जो है वो पूरा सर्कल की तरह, पूरा स्पीयर की तरह जो है वो घूम रहा है ना कितनी बढ़िया ट्रिक। आप गूगल के साथ जो है वो ऐसा ऐसी ट्रिक कर सकते हैं। तो देखिए किस कितना अच्छा लग रहा है। फिर से बैग आते हैं, फिर से जहाँ पर कोई शो टाइप करते हैं, जैसे मैं टाइप करता हूँ गूगल रेनबो और आई एम लकी पे फीलिंग लकी पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए गूगल जो है वो रेनबो की फॉर्म में ओपन हो गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा जो है रंगीन हो गया है गूगल। ये देखिए फिर से बैग आते हैं। अगली ट्रिक ये है कि आपको जहाँ पे सर्च करना है गूगल GOOGLE गूगल पिक और आई एम फीलिंग लकी पे
क्लिक कर देना है। देखिए कैसे जूम हो रहा है, ये बिना मैं इसको हाथ लगाए हुए देख सकते हैं हम कैसे ये जो अपने आप ही जूम होते जा रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छी ट्रिक है। अगली ट्रिक ये है कि आपको जहाँ पे सर्च करना है गूगल ग्रेविटी GRAVITY और आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक कर देना है। तो देखिए क्या होता है अभी, तो देखिए क्या हुआ है, ये गूगल पूरा इन ऊपर से नीचे आ गया है। देखिए तो आप कहीं पे आगे पीछे नहीं जा रहे हैं, जैसे जहाँ पे फिक्स हो गए हैं। कुछ और लिखते हैं, जहाँ पे अगर आप लिखते हैं गूगल म्यूज़िक तब क्या आता है, आई एम फीलिंग लकी। गूगल म्यूज़िक जो है वो ऐप में सीधे ऐप में चला जाऊंगा मैं जैसे जैसे कि बिना लॉगिन किए हुए। तो आप भी जो है वो इस ट्रिक को कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है कि पहले गूगल क्रोम में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है आपको गूगल और फिर इसको डेस्कटॉप साइड में अनेबल कर देना है, फिर आप भी ये ट्रिक बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगली ट्रिक आपको पसंद आई हो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं इस तरह की जो ट्रिक और टेक्निकल वीडियो जो लेके आता रहूँगा। तो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।